Now here in this one it says kinetic theory of molecular motion appears as किसकी किसकी फॉर्म में अपीयर होता है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर मास मोशन। इट बेसिकली एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस। क्या दिखाता है ये? बिहेवियर ऑफ गैसेस दिखाता है। एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ गैस पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन। अब बात आती है वो किसकी फॉर्म में अपीयर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में, और नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली दिस मोशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। किससे रिलेट करता है ये? टेम्परेचर से। दैट इज ऑप्शन सी इन दिस केस। क्यों करता है टेम्परेचर से? कोई ऑप्शन रीजन भी तो होना चाहिए। एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, हमें पता है। वॉट इज प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ऑब्वियसली मोशन हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर, इट माइट अपियर एज द टेम्परेचर। सो इट वुड बी सी हियर।